नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा IQ Neo 7 Pro स्मार्टफोन जिसके साथ मिलता है ये 120 वाट का चार्जर। दोस्तों तो चलिए देखते हैं कि ये 120 वाट का चार्जर कितने टाइम में हमारे IQ Neo 7 Pro को चार्ज कर पाता है। और ये है इसका Type-C to Type-C चार्जिंग केबल और स्मार्टफोन चार्जिंग से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स भी हम बताएंगे, तो देखते रहिए वीडियो अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर हमने हमारे स्मार्टफोन को चार्जिंग पे रख दिया है, तो अब देखते हैं कि 120 वाट का चार्जर कितने देर में हमारा स्मार्टफोन चार्ज कर पाता है। यहाँ पर IQ Neo 7 Pro की एड में IQ ने एड दी है कि 8 मिनट में वो 50% चार्ज हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या सच है या झूठ है। और काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके चार्जिंग पे रखते हैं। तो दोस्तों अभी के स्मार्टफोन बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं, जब स्मार्टफोन ऑन होता है तभी उनका सिस्टम ऑन होता है फास्ट चार्जिंग के लिए। तो हमेशा जब भी चार्ज करें तो स्मार्टफोन ऑन करके ही चार्जिंग पे रखें। और आपने देखा होगा जब भी आप ट्रैवलिंग करते हो तब आपकी बैटरी परसेंटेज जल्दी से नीचे हो जाती, क्योंकि आपका जो सिग्नल है वो बार बार बदलता रहता है। जो सिम कार्ड का सिग्नल होता है वो बार बार बदलता रहता है, जिससे फ़ोन की बैटरी ज़्यादा डाउन होती है। और लोग क्या सोचते हैं कि रात को फ़ोन चार्जिंग में नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा फ़ोन चार्जिंग हो गया तो गर्म होके फट भी सकता है। पर ये झूठ है दोस्तों, पहले के फ़ोन में ये होता था पर अभी के फ़ोन बहुत ही स्मार्ट होते तो अपने आप ही चार्जिंग बंद कर देते। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप रात को भी बड़े आराम से अपना फ़ोन चार्जिंग में रख सकते हैं। और जब भी आप फ़ोन चार्जिंग पे रखें तो कभी पिलो के नीचे या तो कभी बेड पर चार्जिंग पर मत रखें, क्योंकि कपड़े से बहुत ही गर्म होता है फ़ोन। तो किसी टेबल पर या किसी भी सरफेस पर आप रख के फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, पर कपड़े पर मत रखिए। और यहाँ पर स्मार्टफोन को चार्जिंग में रखे हुए 8 मिनट हो चुके हैं, फिर भी 14% ही स्मार्टफोन चार्ज हुआ है। कंपनी क्लेम करती है 50%, पर यहाँ पर हमें 50% के आसपास भी चार्जिंग नहीं मिला। तो कंपनी जो एडवर्टाइज करती है वो हमेशा सच नहीं होता। अब देखते हैं कि 100% चार्जिंग कब तक होती है। और दोस्तों रियलमी का GT5 स्मार्टफोन भी आ गया है जो 240 वाट के साथ आता है। 240 वाट का चार्जर है इनबॉक्स में। तो यहाँ पर 100 वाट का चार्जर तो थोड़ी सालों में नॉर्मल ही हो जाएगा। 10-15 हज़ार के मोबाइल फ़ोन में भी 100 वाट का चार्जर मिल जाएगा आपको, पर उसके लिए 1 साल का राह देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमारा स्मार्टफोन चार्ज होने को आया है और अब चार्ज हो गया है। स्मार्टफोन को फुल चार्जिंग में लगे हैं 53 मिनट 2 सेकंड, यानी कि तकरीबन 1 घंटा लगा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करें कि आप कौन सा फ़ोन लेना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे वीडियो देखने के लिए।